2016 के होए श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अग्निकांड केस के हुण श्री अकाल तख्त साहब तो मिले आदेश के मुताबिक रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए हैं और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अंतरिम कमेटी ने जिड़ी सेवा श्री अकाल तख्त साहब वालों लगाई गई थी उसका भी अज आखिरी दिन सेगा सेवा की सारागढ़ी गुरुद्वारे तो श्री दरबार साहब मेरे नाल प्रधान जी प्रधान जी जिहड़े आदेश होए सीगे ओह तुसीं पूरे कीते ने 2016 दे विच अग्निकांड दे जिहड़े पश्चाताप पाठ भी रखवाए गए सी ओह भी अज उन्होंने भी भोग पै गए सो श्री अकाल तख्त साहब तो जथेदार सिंह साहबजाने हरप्रीत सिंह जी और पंजे सिंह साहबाना ने साड़ी जो मौजूदा अंतर कमेटी है जोदार ने जो कि असी भावें सामने उन्होंने बुलाया नहीं गया श्री अकाल तख्त साहब से लेकिन असी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए जो श्री गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूपों का यह मसला से साढ़े मन से बोझ से असी श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के उस अकाल तख्त के सामने सन्मुख हो के सारी खिमा जाचना समुची संगत तो गुरु साहबाना पासों मंगी सी उस वे सिंह साहबाना वालों सानू हुक्म होया सी एक आदेश होया सी कि जिथे श्री गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब के पावन स्वरूप जो अग्नि भेट हो उन्होंने पाश्चाताप जोड़ा गुरुद्वारा रामसर साहब विखे अखंड पाठ करा के कराया जाए और दूसरा अखंड पाठ श्री अकाल तख्त साहब विखे ये कराया जाए सो अज श्री अकाल तख्त साहब विखे अखंड पाठ के भोग पे तीन दिनों की सानू सेवा जी अकाल तख्त साहब वालों लाई गई सी अज साडी संपूर्ण हुई है गुरु महाराज अगे अरदास करांगे हुण जाके श्री अकाल तख्त साहब अगे साडी जी सेवा सतगुरु महाराज कबूल करन खिमा जाचना सानू देन प्रधान जी इस पाठ दौरान तुसी एक होर रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहब जी के भोग के शामिल होए सके कुछ संतान को इतराज है क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब तो आदेश होया कि तुसी किसी भी धार्मिक समागम या किसी होर भी नहीं पहुँचोगे नहीं जाओगे नहीं इस तरह का आदेश नहीं होया सी तुसी आप श्री अकाल तख्त साहब का आदेश सुन सकते हो उन्हां दा आदेश यह सी कि तुसी जनतक किसी भी इकट्ठ नूं संबोधन नहीं करोगे जान तो साडे कोई पाबंदी नहीं सी सो अज कुछ व्यक्तियों ने जाके गुरु ग्रंथ साहब की पावन हजूरी में झूठ बोल के वह पाप किया सो असी वह भी अकाल तख्त साहब से शिकायत भी होगी कि उन्होंने गलत इल्जाम ला के गलत जो बोलिया गया क्योंकि सिर्फ संबोधन करने वास्ते लाया सी शामिल होने वास्ते कहीं भी साढ़े पाबंदी नहीं लगी सी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 100 साल मनवाण जा रहा है की तैयारियां ने जी जो साड़ी तैयारियां पूरी मुकम्मल ने कल साड़ी एक जी शताब्दी 100 साल शताब्दी की मीटिंग सी साल कल की गई और बहुत सारे प्रोग्राम जोड़े ने असी उलीके ने और भावें कोरोना वायरस करके आ साल बड़े प्रोग्राम नहीं कर सके लेकिन 15 नवंबर में श्री अकाल तख्त साहब विखे 100 साल शताब्दी जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अखंड पाठ करवाए जाएंगे उपरंत गुरुद्वारा मंजी साहब जिहड़ा दीवान हाल विखे एक बड़ा समागम किया जाएगा जिस सारे ही धार्मिक शख्सियत सिंह साहबान होर वख वख जथेबंदियों के आगू जिहड़े ने वो सारे उत्थे पहुँचणगे गुरुद्वारा कमीशन का नवां नियुक्त कर दिता गया है क्या गुरुद्वारा कमीशन हुण नियुक्त कर दिता गया है श्रोमणी कमेटी दी चोणां जिहड़ियां है नज़दीक लगता पिया है कि हुण 6 महीने के अंदर लग सोचा जा रहा है कि क्यास लाए जा रहे हैं करवा लिए जाएंगे क्या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए तैयार है बिल्कुल जी बहुत सब तो पहले तो अभी स्वागत भी करते हैं जोड़ा चोन कमीशन से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वास्ते वो काफ़ी लंबे समय तो खाली पई जगह सी सो वो अपॉइंट हो गया ऐसा सारे जोड़ा वो जो चीफ जस्टिस सबका चीफ जस्टिस में लाया गया असं उस गल का स्वागत करते हैं तुम तैयार हो जी बिल्कुल तैयार हैं जो भी चोणा हो हमेशा तैयार हाँ डट के चोन लड़ी जाएगी सो ये सन गोबिंद सिंह लौंगोवाल प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अज जे पश्चाताप श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के जोड़े अग पेट स्वरूप अग्नि पेट हुए सन 2016 के उस पश्चाताप वजो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों रखवाए गए श्री अखंड पाठ साहब जी के अज भोग पे ने और श्री अकाल तख्त साहब तो जी सज़ा धार्मिक सज़ा सजाई सुनाई गई थी वो भी अब संपन्न हो गई है श्रोमणी कमेटी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने कहा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चोणों लिए तैयार है इसलिए जो नियुक्ति की गई है चीफ जस्टिस की उस भी काबिले तारीफ है बहुत देर हो गई है कि इसकी नियुक्ति दे उत्ते क्वेश्चन चुके जा रहे थे अब उन्होंने नियुक्ति भी हो गई है तो श्रोमणी कमेटी में जो आदेश होएगा जिस तरह का आदेश होएगा वो लागू करने लिए उसमें तैयार है तैयार दर तैयार है चोणों लिए चोणों हर खिते तैयार ने श्रोमणी कैमरा परसन विपन के नाल ज्योति बहल दैनिक सवेरा टीवी अमृतसर
ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठगा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94 देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।